एक एक पैसा कोई सरपंच बोल देगा, कोई वार्ड का पंच बोल देगा, मैं उसके जूते में पानी पीऊंगा कि मैंने ये दिया है। कोई चीज नहीं मुझे मिली है आज तक, टोटली इसकी लाया हूँ। जब मैंने 10 बार सरपंच को बोला है, पंच को बोला है, पाइप दो, पाइप लाइन यहाँ पर पहुंचा दो, कनेक्शन खरीदा दो, मैं यहाँ पर पाइप टैंकी फिट कर दूंगा, वो मैं टैंकी सामने में रखी है। जब पाइप नहीं दे रहे हैं, कनेक्शन नहीं खरीदा रहे, मैं खाली टैंकी को यहाँ कहाँ रखूंगा? उसके रात को दिन को काम है, उसकी रखवाली करूंगा। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं बोल्ड वॉइस के साथ और मैं हूं ठाकुर रंगील। इस वक्त में जिला किश्तवाड़ के तहसील मुगल मैदान के पंचायत घर रालथल में मौजूद हूं और जो आप मेरे साथ ये शख्स देख रहे हैं, इसकी जमीन में 2001 में ये पंचायत घर तामीर किया गया था। उसके बाद इसका ये कहना है कि अभी तक इसको कोई भी रिलीफ जो है इस जमीन का नहीं मिला है। आइए इसे मजीद बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कितने अरसे से जो इसने यहाँ पर अपनी जमीन दे दी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लालदेन है। और कहाँ के रहने वाले हैं? रालथल में रहने वाला हूँ। अच्छा, दो मुझे जरा तफसीलन बताएं कि कब ये पंचायत घर 2001 में ये हैंड ओवर हुआ है। अच्छा, 2001 में हैंड ओवर हुआ है। 2001 से बाद आज तक मुझे इसका कुछ नहीं मिला। 2001 में ये हैंड ओवर हुआ है, मगर इसका जो काम हुआ है वो भी मुझे नहीं मिला है। वो भी दूसरा ठेकेदार, वो रहल का था, वो मुंशी राम था, उसको दिया गया था, मुझे ये काम ही नहीं दिया गया। मुझे जरा ये बताएं, जब आपने अपनी कीमती जमीन उनको दे दी तो उस वक्त क्या बात हुई थी? उस वक्त बात ये हुई कि आपको मुलाजमत मिलेगी, इसकी चौकीदारी आपको कंटिन्यू मिलेगी, आप अगर ठेका करेगो तो आपको वही ठेका है, तो बाद में आपको चौकीदारी कोई नहीं मिलेगी। अच्छा, आप ये ठेकेदार को काम देंगे तो बाद में आपको चौकीदारी मिलेगी। ये लोगों ने जो है आपको कहा था? ये सर उस वक्त का ये सरपंच भी था, जो ये ब्लॉक वाले ये वह साहब वेलडब्ल्यू था और बशीर साहब जई था, उनने ये बात बोला है। वही सब वेल डब्ल्यू था। क्या बोला कि आपको इस जो पंचायत घर है इसमें आपको चौकीदार चौकीदार लगा? अगर आपको चौकीदारी नहीं मिली तो आपको हम इसका मुआवजा दे देंगे। अच्छा, बिल्कुल जी, आपके साथ ईमानदारी होगी तो ये बना इसमें, तो आज तक मुझे इसमें 1 रुपए का फायदा नहीं मिला। सुनने में ये भी आ रहा था कि आप जो है इस पंचायत घर को ताला लगाते हैं। सर इसलिए बंद करते हैं जब हमें इसमें मिलता ही कुछ नहीं है। अच्छा, कोई भी फायदा नहीं। हम गुजर हैं, हमारा कारोबार जो है तो हमारा कारोबार माल मवोशी का था। जब 2001 में ये बना है, उसमें ये कुर्सी डाल दी, ये लाकर डाल दिए, ये टेबल डाल दिए, ये सामान जब इसमें पहुंच गया, मेरा वो माल मवोशी वो भी खत्म हो गया। मेरा कारोबार था माल मवोशी का, वो भी मुक गया। मेरा वो माल मवोशी भी नहीं रहा, मैं भूखा मार रहा हूँ, फाका मार रहा, इसी की सेवा कर रहा हूँ। अब आपकी क्या मांग है? मेरी मांग यह है कि मैंने जो ये जमीन दी है, मलकीत रकबा दिया है, मुझे आज तक इसमें कुछ नहीं मिला है। मैं यही चाहता हूं कि मुझे इस मेरे कहने से मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, तो जो मेरा हक है मुझे हक मिलना चाहिए। तो नाजरीन, आप इस शख्स से सुन रहे थे, इसका यही कहना है कि 2002 में इसकी बिल्डिंग जो है हैंड ओवर टेक ओवर की गई थी पंचायत घर की। उस वक्त इसके साथ यही वादा किया गया था कि आपको यहाँ पर नौकरी दी जाएगी, अगर आप खुद ठेका ले लेंगे तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। उसके बाद इसने किसी और ठेकेदार को जो है ये बिल्डिंग बनाने के लिए दी और अभी इसका यही कहना है कि 2002 से लेकर आज 2022 है और अभी तक इसको ना यहाँ की नौकरी मिली और ना ही के साथ साथ इस जमीन का कोई मुआवजा मिला। सर मेरा कार्ड आज तक फ्री में कभी एडजस्ट नहीं हुआ, जो स्कीम में आज तक रखवाली कर रहा हूँ बिल्कुल फ्री में कर रहा हूँ। आपको अभी तक इस रखवाली का जो कोई नहीं, एक पैसा कोई सरपंच बोल देगा, कोई वार्ड का पंच बोल देगा, मैं उसके जूते में पानी पीऊंगा कि मैंने ये दिया है। कोई चीज नहीं मुझे मिली है आज तक, टोटली नहीं। ठीक, जो ये बाथरूम जो बना है, बाथरूम के वजह बनाने में टैंकी इसकी लाया हूँ। जब मैंने 10 बार सरपंच को बोला है, पंच को बोला है, पाइप दो, पाइप लाइन यहाँ पर पहुँचा दो, कनेक्शन खरीदा दो, मैं यहाँ पर पाइप टैंकी फिट कर दूंगा, वो मैं टैंकी सामने में रखी है। जब पाइप नहीं दे रहे हैं, कनेक्शन नहीं खरीदा रहे, मैं खाली टैंकी को यहाँ कहाँ रखूंगा? उसके रात को दिन को काम है, उसकी रखवाली करूंगा। उसको कोई उठा कर ले जाएगा, दूसरी मेरे लिए मुसीबत बन जाएगी। मैं जानना चाहूंगा, जो ये शख्स कह रहा है कि 2002 में
इसकी मिल्कियत जमीन में ये बिल्डिंग बनाई गई थी 2002 से लेकर आज 2022 है, अभी तक इसको कोई भी रिलीफ इस जमीन का ना मिला। उसको वादा किया था इसके साथ अगर आपको बिल्डिंग ये नहीं बनाएंगे किसी ठेकेदार को दे देंगे तो आपको जो है यहाँ पर चपरासी की नौकरी दी जाएगी। क्या कितनी सही बात है कि क्या अभी तक इसको कोई रिलीफ मिला या नहीं मिला है? ये बात इसका कहना मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इधर आगे पंचायत में आपने भी देख लिया, इसके पंचायत का जो हवाला है वो सामने आया, तो लेकिन जो इसने हमारा जो ये इस वक्त बंदा यहाँ सामने खड़ा है जो इसने बात बोली ये सही में है, क्योंकि इसको आज तक गवर्नमेंट की तरफ से इस पंचायत घर में इस वक्त कोई फ़ायदा नहीं मिला, क्योंकि इसको मिल्कियत जमीन जो थी वो इस पंचायत घर के नीचे आ गई, क्योंकि अपनी रोटी ये इसमें कमा रहा था, अपना माल मवेशी इसमें पाल रहा था। उससे बाद रही बात ये, आपने आपने इसके हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ी? मैंने इसके हक के लिए 3-4 बार मैंने डीसी साहब के लिए पास भी एप्लीकेशन दी है, पहले ये 2 साल की पहले की बात है, फिर बेटियों के पास भी मैंने गया, फिर ये वहाँ कुश्तवाड़ में जब 3-4 बंदे वहाँ गए हमने, मैंने वहाँ भी डीसी साहब के साथ बात उठाई, ये मैंने एप्लीकेशन एक बार नहीं 4-5 बार इसके डॉक्यूमेंट दिए गए, तो वहाँ डी साहब ने मुझे यही बोला, दूसरी बात जी डी साहब ने यही बोला जी ये पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात है। मैंने बोला सर अगर पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात है तो लेकिन उस पर हम करेंगे, चलो हम देख लेंगे, मगर लेकिन ये बंदा जो इस वक्त है इसकी ज़मीन इसके नीचे चलेगी, ये माल मवेशी पाल रहा था, अब इसको पता यही था मुझे इसमें शायद नौकरी मिलेगी, इसको नौकरी नहीं मिल रही है, इसने 2 साल तो ये स्कूल ये पंचायत घर हमारा बंद ही रखा, ये तो इसको खूब ही पता है, ये हम थोड़े दिनों से ये हमने खोला है, हम इसमें हम जब भी करते हैं व्हाट्सअप हम पीछे ग्राउंड में करते थे, इस पंचायत घर में नहीं किया। दूसरा बात ये इसको फायदा इसकी तरफ से कुछ नहीं मिला, जो काम पहले इसने थोड़ा बहुत किया है लेकिन वो उतना ही किया, जितना काम इसने किया उतना इसको पैसा मिला, जितनी इसने मेहनत करी बाथरूम इसने बनाया मगर लेकिन जितना इसने काम किया उतना इसको पैसा मिला। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा जो पंचायत घर है यहाँ पर अगर स्वच्छ भारत मिशन की जो बात की जाती है करोड़ों पैसा जो है पीछे से सरकार खर्चती है, वहीं अगर आपकी पंचायत घर के आसपास देखें तो खुद आप खुदा रहा देखें कि कितनी सफाई है, उसके साथ साथ ये भी जानना चाहूंगा ना इस पंचायत घर के लिए रास्ता है उसके साथ साथ पानी भी यहाँ पर दस्तयाब नहीं है, लास्ट सवाल में ये जानना चाहता हूँ। इस पंचायत घर में जब ये पंचायत घर बन दिया था इसमें नहीं चपरासी कोई लगा है नहीं, इसमें ये जो जिम्मेदार है बेचारा वो खुद मजबूर है, वो क्या सफाई करेगा इसमें, ठीक है नी, इसमें हमने आज तक 2 मिनट के लिए 2-3 बार या 4 बार हमने व्हाट्सएप किया, हम पीछे ग्राउंड में करते हैं क्योंकि यहाँ बंद ही रहता था, हमने थोड़ी टाइम इसका ये हमने चाबी इससे ले ली ये खोला है। पानी का जो मामला ये है जी डिपार्टमेंट इसमें आप आधा इंच नाले नहीं देती है, क्यों जी वो दे रहे हैं ठेकेदारों को टंडल डाला है फलाना ठेकेदार आपको देगा, फिलहाल थाल में इस वक्त यहाँ की दिक्कत नहीं पूरी पंचायत में दिक्कत है, हमारे वार्ड नंबर 1 में पहले दो साल उसमें काम लगा चाहे वो भदौरा डाले गया, फिर हमारा दुगाडा से काम लगा वो भदौरा डालेगा, क्यों वहाँ साकेट के लिए वो तैयार नहीं, साकेट देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, वो बोलते हैं हमारे पास है नहीं, जो इसमें जो टंडल के लिए सब टंडल जो भी टंडल जो टंडल देगा उसको भी बाद में टंडल के लिए इस लोगों को फायदा उस चीज़ का था अगर हमारा काम बनता था थोड़ा आगे आता था, लेकिन इसमें आज भी टंडल लगा है, लेकिन आज टंडल लगा इसमें हम इंशाल्लाह खुद कोशिश करेंगे, आज तक हम डिपार्टमेंट को बोलते रहे जे इसका काम कुछ ना कुछ किसी सतह पर पहुंचेगा लेकिन आज तक इसमें हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह खुद आने की। अभी तक जो है जो प्रेजेंटेटिव है वो भी कहीं न कहीं लोगों की जो काम है उनको देने में नाकाम रहे। सुनिए बात, जो लोगों को काम दिएगे 2 मिनट के लिए, पहले देते थे हम 10 लोगों को अगर एक काम दे दिया तो उसको 4-4, 5-5, 10-10 हज़ार बेचारे को मिलता था उसमें, हाँ उसमें ठेकेदारों के जो काम में कमी पेशी होगी उसमें मैंने खुद उसको रिटर्न में लिखा है, जिसने कमी पेशी रखी वो रिटर्न में लिखा है, कमी पेशी जिसकी होगी वो मैंने रिटर्न में लिखकर वो दे दिया डिपार्टमेंट वालों को, उनको पता है ठीक है कौन से काम कर रहा है जिसकी कमी पेशी है वो रिटर्न में उनके पास है, जो हमने डिमांड रखी है पानी की पीछे से तो उसका भी हमारा टंडल लगा है, क्या आप उसमें भी हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह वो काम भी हम चालू करेंगे। चले शुक्रिया, हमारे दिन आप सुन रहे थे पंचायत रालथल के सरपंच से कि अब देखना यही होगा कि आने वाले वक्त में पंचायत रालथल में कितना काम होता ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, तब तक दीजिए इजाजत, जुड़े रहे बोल्ड वॉइस के साथ, कैमरामैन अनिल कुमार के साथ मैं ठाकुर। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें,
और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन